नेक्स्ट है एमबीआर। एमबीआर स्टैंड फॉर मास्टर बूट रिकॉर्डर। अब एमबीआर है क्या? एमबीआर बेसिकली हार्ड ड्राइव का जीरो सेक्टर है। जीरो सेक्टर यानी कि हार्ड ड्राइव जो आपकी जहां से शुरू हो रही है, हार्ड डिस्क आपकी जहां से भी शुरू हो रही है। अब जैसे आपकी ये हार्ड ड्राइव है, आपने क्या किया, ये इसमें मतलब यहां से शुरू हो रहा है, तो अपने आप ये इसका एमबीआर होगा, अपने आप खुद ब खुद ये इसका एमबीआर होगा। एमबीआर यानी मास्टर बूट रिकॉर्डर, ये अपने आप इसका एमबीआर बन जाएगा। ये जीरो सेक्टर्स को एमबीआर कहलाता है। उसके बाद बाकी के सेक्टर्स के अंदर इसका डाटा स्टोर होता है, और एमबीआर के अंदर स्टोर होती हैं सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट वो सारी इंफॉर्मेशन जो भी इस हार्ड ड्राइव के बारे में है। जैसे कि इसके अंदर कितने ट्रैक एंड सेक्टर्स हैं, इस हार्ड ड्राइव के अंदर टोटल ट्रैक एंड सेक्टर्स कितने होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन। उसके अलावा कि इसके अंदर कितनी पार्टीशन है, टोटल पार्टीशन डिटेल आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि एमबीआर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। टोटल ट्रैक एंड सेक्टर्स, पार्टीशन डिटेल के पार्टीशंस कितनी पार्टीशन बनाई गई हैं इस हार्ड ड्राइव के अंदर, कैपेसिटी इंफॉर्मेशन के कितनी जीबी की आपकी ये हार्ड ड्राइव है कैपेसिटी उसकी। उसके बाद और चीज़ें लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे स्टोर किया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी इस एमबीआर के अंदर, यानी मास्टर बूट रिकॉर्डर के अंदर। तो ये चीज़ें होती हैं तो मास्टर बूट रिकॉर्डर के बारे में। और अगर आपके हार्ड ड्राइव के अंदर मास्टर बूट रिकॉर्डर खराब, करप्ट या डिलीट, मतलब डिलीट तो नहीं होता सॉरी, अगर करप्ट हो जाए तो आपकी हार्ड ड्राइव खराब हो जाती है, फिर हार्ड ड्राइव के बहुत कम चांस हैं कि वो ठीक हो पाए। ज़्यादातर आपके सिस्टम्स के अंदर जब वो वायरस बहुत लंबे समय रुक जाता है, मतलब मान के चलो आप वायरस आपने स्कैन नहीं किया और आपका सिस्टम एक डेढ़ साल या छः महीने ऐसे ही चलता रहा, तो आपने विंडो इंस्टॉल की, फिर चलाया, फिर विंडो इंस्टॉल की, करप्ट हुई आपने लेकिन वायरस नहीं निकाला, तो होगा क्या, एमबीआर करप्ट हो जाएगा। और अगर एमबीआर करप्ट हुआ तो आपकी हार्ड ड्राइव खराब। सो प्लीज़ इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। तो ये एमबीआर के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी।